हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश आईक्यू लाइव में। जितने ही बच्चे 11वीं में और 12वीं में, खास करके वे बच्चे जो 2024 में मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं और वे अब 11वीं क्लास में आए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियोस आप सभी बच्चों के लिए, चाहे आप 11वीं में हो या 12वीं, काफी खास होने वाला है। और उससे भी खास ये वीडियोस उन बच्चों के लिए होने वाला है जो बच्चे 2025 में, मतलब आज से 8-9 महीने बाद परीक्षा देने वाले हैं बोर्ड की, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियोस में मैं बताऊंगा कि जो इम्पोर्टेंस है अंग्रेजी और हिंदी का इंटरमीडिएट परीक्षा में, क्लास 12वीं में क्या महत्व है, ठीक है। कैसे ये आपको, ये दो सब्जेक्ट जो है आपको टॉपर पे ला सकती है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुतों बच्चों का रिजल्ट देखा है, बहुत बच्चे बताते हैं सर मैंने शुरू से साइंस पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, आर्ट्स पढ़ा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री इकोनॉमिक्स बीएसटी पढ़ा, लेकिन सर इंग्लिश में मेरा नंबर कट गया, मेरे फिजिक्स में सर 97 है, सर मैथ्स में हमारा 100 है, पता चला अंग्रेजी में 70 नंबर आ गया, खत्म, है ना। तो ये वीडियोस में प्यारे बच्चों, मैं उन सारे चीज को मैं डिस्कस करूंगा जहां पे हजारों बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। शुरुआत में वो गलतियां कर देते हैं, फिर उसके पास समय नहीं रहता है उन गलतियों को सुधारा जा सके, जिससे वो कुछ नंबर कुछ अंक की वजह से टॉपर में आने से बच जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियोस पसंद है तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी बच्चों से खास करके विनती है कि वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें। इस चैनल पे इंग्लिश आईक्यू लाइव में अंग्रेजी और हिंदी के लिए आपको थोड़ा सा भी सोचना नहीं है, भटकना नहीं है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी कॉन्टेंट यहाँ पे आपको मिलता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो जो है कि इंटर में ये जो इंग्लिश है और जो हिंदी है इसका क्या महत्व है। देखो, सबसे पहला बात, हिंदी बहुत बच्चों को लगता है कि आसान है, और वाकई में आसान है भी, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हो तो हिंदी में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप हिंदी लिखना जानते हो, है ना, आप हिंदी पढ़ करके समझ लेते हो तो आपको परेशानियां नहीं लगती। लेकिन बात अगर आती है प्यारे बच्चों इंग्लिश की, तो बिहार के जो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए 90% बच्चे हैं उनको अंग्रेजी में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बचपन से अंग्रेजी नहीं पढ़े। और जब इंटर में बात करते हैं तो अंग्रेजी प्यारे बच्चों हमारा कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। इंग्लिश कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। और हिंदी भी कितने नंबर का होता है प्यारे बच्चों, हिंदी भी प्यारे बच्चों हमारा 100 नंबर का होता है, ठीक है। जब ये दो सब्जेक्ट 100-100, मतलब ये दोनों मिला करके प्यारे बच्चों आपका कितने नंबर हो गए, 200 नंबर, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट मिला करके कितने हो गए, तो प्यारे बच्चों ये 200 नंबर हो गए, और ये आपको एक अहम रोल निभाता है ये, ठीक है। अब देखो आगे की चीज देखते हैं, आप प्यारे बच्चों साइंस लो, आर्ट्स लो या कॉमर्स लो, ठीक है, ये कोई भी पेपर लोगे तो ये आपको कितने अंक के रहेंगे, ये प्यारे बच्चों आपको 300 अंक के ही रहेंगे। इसमें से 200 अंक आपका इंग्लिश और हिंदी जुड़ जाता है, है ना, 200 अंक क्या जुड़ जाता है, इंग्लिश और हिंदी जुड़ जाता है। तो देखो 300 नंबर में फर्स्ट डिविजन है, 300 नंबर में क्या है, तो 300 नंबर में प्यारे बच्चों फर्स्ट डिविजन होता है, और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का आपको कितने नंबर मिल रहे होते हैं, इंग्लिश और हिंदी का कितने नंबर का परीक्षा देना होता है, तो 200 नंबर का परीक्षा देना होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आपको एक बेहतर स्कोर करने में, है ना। अगर आप सच में चाहते हो कि हमें 480 490 470 प्लस लाना है, तो प्यारे बच्चों आपको अंग्रेजी और हिंदी पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और अभी शुरुआत से ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों का दिमाग में रहता है अरे आसान है, ठीक है, वो शुरू में नहीं पढ़ते, वो अंत में जाकर के पढ़ते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है, शुरुआत में तो मान लो शुरुआत में उन्होंने पढ़ा, लेकिन अंत में एक अंग्रेजी में तो ऐसे ही बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी समस्या आती है, और जब वो नहीं पढ़े होते हैं तो वहां जाकर के उसका नंबर कट जाता है, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है प्यारे बच्चों, देखो कहते हैं ये अंग्रेजी और हिंदी आसान है, कैसे आसान है, तो इंग्लिश हमारा कितने नंबर का होता है प्यारे बच्चों, 100 नंबर का। हिंदी हमारा कितने नंबर का होता है प्यारे बच्चों, 100 नंबर। जब ये 100 नंबर का होता है प्यारे बच्चों, इस 100 में से, इस 100 में से क्या 90 प्लस लाया जा सकता है, सहमत हो, क्या 90 प्लस बच्चे लाए हैं, क्या सर संभव है अंग्रेजी में 90 प्लस लाना, क्या सर हिंदी में 90 प्लस लाना संभव है, ठीक है। तो मैं कहता हूं हाँ संभव है, हाँ आसान है, अगर आप अंग्रेजी में भी 90 लाते हो, हिंदी में 90 लाते हो, तो कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 तो आराम से गया ना। गुरुजी कैसे आता है, क्या किसी बच्चों का आया है, आपको लगता आ सकता है, एक बार चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। अगर आपको लगता है कि गुरुजी सच में आ सकता है तो चैट बॉक्स में लिखो यस। मेरा यह मानना है अगर
आप अंग्रेजी और हिंदी को थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा देते हो, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा देते हो, तो ये आपको 95, 96, 97 तक दिला सकती है। और यही दो पेपर है जो आपको टॉपर में लेके जा सकती है। और बहुत बच्चे इंग्लिश और हिंदी की वजह से वो टॉपर की लिस्ट से छटे भी हैं, टॉपर के लिस्ट से हटे भी हैं। प्यारे बच्चों, अब तक का जो कहा गया है, ठीक है, ये 2024 का इंटर रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? तो मैं 2024 का इंटर रिजल्ट का बात कर रहा हूं, इंटर रिजल्ट का। प्यारे बच्चों, तो 2024 में जो इंटर रिजल्ट आया था, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा था, उन बच्चों में 300 से अधिक ऐसे बच्चे थे जिन्हें अंग्रेजी में 90% प्लस अलग प्लस नंबर आया था। 300, एक दो नहीं, मैंने तो कुछ बच्चों को पोस्टर बनवाया था, 97 है, 96, 96, 95, बहुत बच्चों का, ठीक है। अगर बात करें प्यारे बच्चों, 1000+ बच्चे जो 80+ स्कोर किए, तो सोचो, यही बिहार के बच्चे जिसे अंग्रेजी में डर लगता, जिसे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता, वे बच्चे जब पढ़ते हैं, क्योंकि आपको तरीके से पढ़ाया जाता है, ग्रामर हो, बुक हो, ठीक है, ट्रांसलेशन हो, चाहे लेटर राइटिंग हो, हर कुछ बताया जाता है। ये सब कुछ प्यारे बच्चों आपको किस में मिलता है? तो ये सब कुछ मिलेगा स्कोर बूस्टर बैच में। क्लास 11 के लिए भी स्कोर बूस्टर बैच है और क्लास 12 के लिए भी है। आप अभी से 11 के बच्चे, 11वीं के बच्चे अगर देखते हो तो ये आपको बहुत मदद करने वाला। और बिहार के सबसे न्यूनतम फी में, कितना में? 249 रुपए में प्यारे बच्चों, ठीक है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, सब कुछ मिलेगा। तो प्ले स्टोर पे जाइएगा, इंग्लिश IQ लाइव ऐप, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, इस बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आपको बैच में नहीं जुड़ना है, क्या सर बिना बैच में जुड़े भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखो, मैं आप सभी बच्चों के लिए रामबाण सीरीज शुरू किया हुआ हूं, जैसे प्यारे बच्चों मैं आप सभी बच्चों के लिए एक रामबाण सीरीज का स्टार्ट किया हूं और एक 150 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये दोनों सीरीज बिहार बोर्ड का सबसे बेस्ट सीरीज होने वाला इंटरमीडिएट। इसमें अभी से आपको इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है अंग्रेजी और हिंदी के, ठीक है। तो इसका पैनल PDF जो है वो क्या है, फ्री है। कहां पे? तो प्यारे बच्चों टेलीग्राम पे, आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेजूंगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव इसमें रामबाण सीरीज का और 150 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये दोनों। तो आपको कहां से जुड़ना पड़ेगा? टेलीग्राम से। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आगे भी मेहनत करूंगा, कैसे बेहतर से बेहतर स्कोर किया जाए ये भी बताऊंगा। तो अगर आपने अब तक वीडियोस को शेयर नहीं किया, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये चीजें बताइए, ठीक है। चलो देखो, जैसे मान लो इंग्लिश और हिंदी, ये कितने नंबर का रहता है? तो प्यारे बच्चों, ये तो हमारा 200 नंबर। इधर अगर आपने साइंस लिया है या आर्ट्स लिया है या कॉमर्स लिया, तो ये तीनों में से किसी, तो आपके कितने नंबर का? 300 नंबर का है, ठीक है। अगर इस सब्जेक्ट को आप प्यारे बच्चों मान लो 7 आवर्स पढ़ते हो, 7 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, BST, अकाउंटेंसी मिलाकर के आपने 7 घंटा पढ़ा, ठीक है, तब संभावना है कि आपको इसमें 90% प्लस नंबर आ सकते हैं, संभावना है, कम आ सकते हैं 7 घंटे। अगर आप इंग्लिश और हिंदी मात्र, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे पढ़ते हो, 1 से 1.5 घंटे पढ़ते हो, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप अंग्रेजी में आसानी से इस 200 में से 180 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हो। यहां अगर आप 7 से 8 घंटा पढ़ते हो तब, यहां आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ोगे तब। तो अंग्रेजी और हिंदी को अभी से पढ़ना है, ठीक है, चाहे हिंदी व्याकरण हो, अंग्रेजी ग्रामर हो, ठीक है, इंग्लिश बुक हो, हिंदी बुक हो, कुछ भी हो, अभी शुरुआत से पूरी मेहनत करना है, शिद्दत से पढ़ना है, 100% आपको प्यारे बच्चों बेहतर स्कोर आएगा और आप भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन चीजों के लिए अभी से आपको शुरुआत से अपना, चाहे इंग्लिश की हो, ठीक है, इंग्लिश बुक हो, इंग्लिश बुक प्लस हिंदी बुक अभी से पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आजकल इंटरनल भी पूछता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश हिंदी का ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर आपने दोनों सब्जेक्ट में 50/50 कर लिया, तो फिर आपका चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, ऑब्जेक्टिव मेन है, 50/50 अगर आपने ऑब्जेक्टिव में कर लिया, तो सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों अगर आपने 40 भी किया, 40 भी किया, तो 50-40 कितना हो जाता है? 90 हो गया ना, है ना। और अगर आपने 50 ऑब्जेक्टिव में किया है तो आपको 40 नहीं आएगा 50 में, आपका सब्जेक्टिव रिटर्न में जरूर है कि 45 प्लस नंबर आएगा, आया ना, तो 45-50 कितना हो जाएगा बताओ? 95 प्लस हो गया ना। ऐसे एनालाइज किया जाता है, ये स्ट्रेटजी है।
ऑब्जेक्टिव में 50/50 करो अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, और सब्जेक्टिव में 40+ नंबर आसानी से लाया जा सकता है। मैं बताऊंगा कैसे लाना है, कैसे ऐसे पर कमांड करना है, कैसे लेटर राइटिंग लिखना है, कैसे समरी लिखना है, ठीक है, ट्रांसलेशन पे कमांड कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे बनाना, वो सब मेरे पे छोड़ देना है, है ना। मैं आपको तरीके बताऊंगा, मैं आपको मेथड बताऊंगा कैसे बेहतर स्कोर किया जाना है ना। इन सब के लिए आप आश्वस्त रहिए, बेहतर स्कोर होगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट नोट्स मिलेगा इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है। तो अभी आप इंस्टॉल कर लीजिए ऐप, बहुत सारी चीजें मिलते हैं, ठीक है। नहीं तो YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है सब चीज का, आप उसको देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।